अब अभी तक हम लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब समझ लिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन जो फिक्स कर रहे हैं उनके बारे में जान लिया। अब हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन में, क्योंकि हम लोग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं, और हमने बताया था कि 70% नाइट्रोजन फिक्स कैसे होता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन से। और जब सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो उसमें जो राइजोबियम होता है वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली राइजोबियम टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उस नोड्यूल फॉर्मेशन में कुछ नोड फैक्टर्स होते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हमने आपको, जैसे जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको अभी प्रीवियसली बता रहे थे, तो हमने वहाँ पे क्या बताया था कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एक होता है हाई एनर्जी फिक्सेशन, जो एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल की बात छोड़ दीजिए, एक हाई एनर्जी नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हाई एनर्जी नाइट्रोजन फिक्सेशन जब एटमॉस्फेयर में होता है तो वहाँ पे कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं, लाइटनिंग्स होती हैं, मेटियोराइट्स होते हैं, ये सारे चीज़ें हाई एनर्जी रेडिएशन प्रोवाइड करती हैं, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलके ऑक्साइड्स बना लेता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। और जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है कि पहले तो जो नाइट्रोजन है उसको स्प्लिट किया जाता है दो एटम्स में। ठीक है, नाइट्रोजन को स्प्लिट किया जाता है दो एटम्स में, मीन्स कि इस फॉर्म में नाइट्रोजन है तो पहले वो इस फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो ये स्प्लिट करना होता है। तो जब स्प्लिट करना होता है, दिस इज एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इस तरह का बॉन्ड होता है। अब इसको ब्रेक करके, ये अभी किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इसको ब्रेक करके हमें किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, और इस फॉर्म में लाने के लिए ये हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रोसेस के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होती, 160 किलो कैलोरी पर मोल, इतनी एनर्जी चाहिए होती है तब एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन दो एटम में, दो नाइट्रोजन एटम में चेंज होता है। ठीक, इतनी एनर्जी चाहिए। फिर द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म रिलीज 13, हाँ इतनी एनर्जी तो चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। और फिर जब ये किससे जुड़ता है, हाइड्रोजन गैस से जुड़ता है, और जुड़ने के बाद ये अमोनिया बनाता है। जब ये फॉर्मेशन होता है तो उस समय ये रिलीज करता है 13 किलो कैलोरी की एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी हो गई, कहने का मतलब ये है कि इस प्रोसेस को ब्रेक करने में, मीन्स इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी चाहिए, 160 किलो कैलोरी एनर्जी। जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, इस एटम, दो एटम और ये हाइड्रोजन से मिलके अमोनिया बनती है, तो उस समय 13 किलो कैलोरी की एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब ग्रॉस हमें कितनी एनर्जी चाहिए, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए ग्रॉस एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये तो मिली हमें और ये यूज़ हुई, तो दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि जो मिली वो तो हम बेनिफिट में है ना, तो वो उसको माइनस कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी ग्रॉस, हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 140 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए। तो ये यहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट के बारे में था। अब जब सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे पूरा नोड्यूल का फॉर्मेशन दिया गया है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया रूट से अटैच होता है, सबसे पहले बैक्टीरिया रूट से अटैच होता है। जब बैक्टीरिया रूट हेयर, ये आपको ये जो वाइट कलर की सेल्स दिख रही हैं, और इन सेल्स में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर से ये जो रेड रेड कलर के, अब आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, रेड कलर के बैक्टीरिया दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, रेड कलर के बैक्टीरिया दिख रहे हैं, तो ये रूट हेयर से बैक्टीरिया अटैच करेंगे। जब रूट हेयर से बैक्टीरिया अटैच करते हैं तो यहाँ पे होता है एक कर्लिंग ग्रोथ। ठीक है, एक कर्लिंग ग्रोथ होता है, कर्लिंग ग्रोथ होने होता है जो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये कर्लिंग ग्रोथ हो रहा है, ये बैक्टीरिया इस तरह से यहाँ पे कोलोनाइज हो रहे हैं, यहाँ पे कोलोनाइज हो रहे हैं। अब इस कर्लिंग के लिए जाहिर सी बात है कि आपको कोई तो, ये प्लांट का ही पार्ट, जो ये कर्लिंग हो रहा है, ये रूट हेयर इतना लंबा होके कर्लिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये प्लांट सेल ही है, तो प्लांट सेल भी लंबी हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे एक हार्मोन इन्वॉल्व होता है, इंडोल एस्टिक एसिड, जिसको हम लोग ऑक्सिन कहते हैं। ठीक है, इंडोल एस्टिक एसिड कर्लिंग के लिए
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंडोलेस्टिक एसिड किसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? कर्लिंग के लिए, रूट हेयर की कर्लिंग के लिए। जब बैक्टीरिया यहाँ पे आके पहले जुड़ेंगे, मतलब अटैच होंगे जैसे ही, तो यहाँ पे फिर रूट हेयर की कर्लिंग होने लगेगी। और कर्लिंग के लिए क्योंकि यहाँ पे सेल का इलोंगेशन हो रहा है, और सेल का इलोंगेशन कराने के लिए कौन हेल्प करता है? इंडोलेस्टिक एसिड। ये देखिए नोड्यूल्स बन रहे हैं, यही नोड्यूल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैसे बन रहे हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि फिर ये बैक्टीरिया एक इन्फेक्शन थ्रेड क्रिएट करेंगे। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? एक इन्फेक्शन थ्रेड क्रिएट करेंगे कर्लिंग रूट हेयर में, ठीक है। यहाँ पे रूट हेयर में एंट्री करके ये, अब आप देखिए कि ये जो बैक्टीरिया है रेड रेड, ये पूरा अंदर तरफ आपको दिख रहा है, और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन जैसा होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कर्लिंग थ्रेड। कर्लिंग थ्रेड होने के बाद मीन्स सॉरी इन्फेक्शन थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं। इन्फेक्शन थ्रेड के बाद क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो मेम्ब्रेन से फ्यूज करेंगे। सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करने के बाद यहाँ पे इस तरह से बैक्टीरिया अंदर की तरफ जाना शुरू हो गए। फिर यहाँ पे देखिए ये अंदर अंदर एंट्री ले रहे हैं बैक्टीरिया, और ये देखिए यहाँ पे आके बैक्टीरिया मीन्स कि यहाँ पे वेस्कल्स के फॉर्म में ये यहाँ पे रिलीज हो गए हैं बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया यहाँ पे बैक्टेरियोइड के फॉर्म में होते हैं, बैक्टेरियोइड के फॉर्म में होते हैं। अभी हम आगे बताते हैं क्या होता है बैक्टेरियोइड और क्यों होता है, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, कि जब ये यहाँ पे हमने बोल दिया अटैच हो रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया अटैच हो रहे हैं, तो अटैच होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते होंगे जो रूट हेयर पे या बैक्टीरिया के ऊपर पाए जाते होंगे, तभी वो अटैच होते होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन लेक्टिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट बाइंड, एक प्रोटीन होती है लेक्टिन जो कि कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होती है, ऑन द सर्फेस ऑफ रूट सेल। जो रूट हेयर होता है उसके सरफेस पे क्या पाया जाता है? लेक्टिन पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। और जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के पास क्या पाया जाता है? लिपोपॉलीसेक्राइड। बैक्टीरिया के पास क्या पाए जाते हैं? लिपोपॉलीसेक्राइड। और इन्हीं दोनों का इंटरेक्शन होता है, लेक्टिन और लिपोपॉलीसेक्राइड का। मींस कि राइजोबियम के पास क्या पाया जाता है? लिपोपॉलीसेक्राइड। उसके सरफेस पे, रूट हेयर के सरफेस पे क्या पाया जाता है? लेक्टिन पाया जाता है। दोनों का इंटरेक्शन होता है। भाई बैक्टीरिया तो किसी भी तरीके से सॉइल में आ सकते हैं, फिर भी उनमें जब तक बाइंडिंग कैपेबिलिटी नहीं होगी तब तक इन्फेक्शन थ्रेट नहीं कॉज होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो बैक्टीरिया सॉइल में बहुत बैक्टीरिया है, लेकिन कैसे, क्या चीज़ मैकेनिज्म होगा? तो जो रूट हेयर होगा उसके पास लेक्टिन होगा, जो बैक्टीरिया होगा उसके पास क्या होगा? लिपोपॉलीसेक्राइड होंगे। ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे। द बैक्टीरिया एंटर एंड प्रोड्यूस सीके। अब क्या होता है कि फिर अब ये रूट हेयर इलोंगेशन कर्लिंग के लिए कौन इन्वॉल्व था? कर्लिंग के लिए इंडोलेस्टिक एसिड। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे कर्लिंग के साथ साथ कुछ डिवाइड भी सेल्स होते, क्योंकि नोड्यूल का स्ट्रक्चर आपको पता है ना कि एक तरीके से उसको मींस की फायदा वाला है, लेकिन ट्यूमर लाइक ही तो स्ट्रक्चर होता है। तो नोड्यूल का फॉर्मेशन मींस की सेल डिवीजन हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये क्या करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन को क्या करता है? प्रोड्यूस कराता है, प्रमोट सेल डिवीजन। द बैक्टीरिया लूज देयर आउटर मेम्ब्रेन एंड बिकम इररेगुलर इन शेप इन बैक्टेरियोइड। फिर जब अल्टीमेटली ये अंदर जाता है और जब ये इन्फेक्शन कर देता है, तो उस समय ये एक बैक्टेरियोइड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। अब ये समझिए कि बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया बैक्टेरियोइड स्ट्रक्चर में चेंज ना हो तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता है। अगर बैक्टीरिया बैक्टेरियोइड स्ट्रक्चर में चेंज ना हो तो नाइट्रोजन फिक्स करने कर नहीं पाएगा, मतलब उसके पास कैपेबिलिटी तो सारी है लेकिन कर नहीं पाएगा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और वो क्या होता है? ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, ठीक है। और अगर बैक्टीरिया सिर्फ बैक्टीरिया के फॉर्म में है तो वो ऑक्सीजन से अपने आप को नहीं बचा सकता है, लेकिन बैक्टीरिया जब बैक्टेरियोइड के फॉर्म में आ जाता है तो वो ऑक्सीजन बचाने की कुछ टेंडेंसी हो जाती है। वो कैसे होती है वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं बात को, किस तरह से इन्फेक्शन थ्रेड बना? रूट हेयर के पास पाया जाता है लेक्टिन, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है। बैक्टीरिया के पास पाया जाता है एक रिसेप्टर जिसका नाम क्या है? लिपोपॉलीसेक्राइड से मिलके बना है। दोनों अटैच होते हैं, कर्लिंग होता है रूट का। जब कर्लिंग हो जाता है तो इन्फेक्शन थ्रेड क्रिएट होता है, बैक्टीरिया अंदर एंट्री लेते हैं और इस तरह से बैक्टीरिया अंदर जाके इन्फेक्शन कर देते हैं। और इस समय बैक्टीरिया चेंज हो गए होते हैं किस में? बैक्टेरियोइड में।
अब बैक्टीरिया रिलीज करता है नोड फैक्टर, क्योंकि अब नोड फैक्टर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको हमेशा याद रखना है कि नोड फैक्टर कौन रिलीज करता है, बैक्टीरिया, प्लांट नहीं रिलीज करता है। नाइट्रोजनस एंजाइम भी बैक्टीरिया के पास है और नोड फैक्टर भी कौन रिलीज कर रहा है, बैक्टीरिया ही कर रहा है, अभी प्लांट कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, प्लांट जैसे जैसे चीजें हो रही हैं वो अपना आगे इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, लेकिन अभी मेन मेन चीजें कौन कर रहा है, नाइट्रोजनस एंजाइम किसके पास है, बैक्टीरिया के पास। नोड फैक्टर कौन रिलीज कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे और देखते हैं, कोलोनाइजेशन एंड नोड्यूल इनिशिएशन, नोड फैक्टर्स। अब नोड फैक्टर्स की बात, क्योंकि हमने बोला कि बैक्टीरिया नोड फैक्टर्स रिलीज करते हैं। लैक्टिन्स आर ए स्मॉल नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन सिंथेसाइज बाय होस्ट एंड कॉम्प्लेक्स विद पॉलीसेक्राइड ऑफ राइजोबिया। जैसे हमने बताया लिपोपॉलीसेक्राइड बैक्टीरिया के पास पाए जाते हैं, वो लिपोपॉलीसेक्राइड जैसे ही सपोज पाया जा रहा है तो इससे लैक्टिन ऐसे बाइंड कर लेगा जो कि रूट हेयर के पास पाया जाता है। तो ये यहाँ पे तो क्या होता है, होस्ट और मीन्स राइजोबिया का इंटरेक्शन इस तरह से होता है। तो ये इंटरेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है, लैक्टिन और पॉलीसेक्राइड किसके ऊपर, राइजोबिया के ऊपर। द अट्रैक्शन ऑफ राइजोबिया आर फ्लेवोनॉइड्स। अब भाई ये प्लांट था, बैक्टीरिया इधर उधर कहीं घूम रहे हैं, ठीक है, यहाँ कहीं घूम रहे हैं, ठीक है, पहले तो यहाँ पहुंचे तब तो ये इंटरेक्शन होगा, जो ये इंटरेक्शन हो रहा है ये तो तब होगा जब ये यहाँ तक पहुंचेंगे। अब यहां तक पहुंचने के लिए इन्हें क्या चाहिए, फ्लेवोनॉइड्स चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया कुछ प्लांट क्या करते हैं, फ्लेवोनॉइड्स सिक्रीट करते हैं, जैसे कि लियोटियोलिन। लियोटियोलिन किसमें, एक फ्लेवोन होता है, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अल्फा अल्फा एक स्पीसीज होती है, प्लांट स्पीसीज जो कि लियोटियोलिन को सिक्रीट करती है, रूट, तो इससे क्या होता है, होस्ट रूट में, तो इससे क्या होता है कि होस्ट रूट है ये, मतलब प्लांट का रूट है। अब इसने कोई फ्लेवोनॉइड सिक्रीट किया, बैक्टीरिया यहाँ पे कहीं है, बैक्टीरिया यहाँ से आया, जब यहाँ पे आ गया रूट हेयर के पास आया, फिर उसके बीच में लेक्टिन और पॉलीसेक्राइड के बीच में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। तो पहली रिक्वायरमेंट तो फ्लेवोनॉइड्स भी होने चाहिए, तो फ्लेवोनॉइड्स के यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, फिर एक फ्लेवोनॉइड्स 4-methoxycalcone, ये एक फ्लेवोनॉइड्स है ना, इस तरह से कुछ कुछ फ्लेवोनॉइड्स के यहाँ पे नाम दिए गए। फिर जैसे ही कोलोनाइजेशन मीन्स कि लेक्टिन का पहले तो अट्रैक्ट हुए फ्लेवोनॉइड से, फिर लेक्टिन का पॉलीसेक्राइड से बाइंडिंग हुआ, जैसे ही ये इनका कोलोनाइजेशन हुआ वैसे ही बैक्टीरिया क्या करने लगे, नोडुलेशन फैक्टर को रिलीज करने लगे। ठीक है, नोडुलेशन फैक्टर को रिलीज करने लगे, क्योंकि नोड्यूल बनाना, इंटरेक्शन के बाद तो क्या करना है, नोड्यूल का फॉर्मेशन करना है, तो नोड्यूल के फॉर्मेशन में नोड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर तो क्या होता है कि यहाँ पे लिखा है आफ्टर कोलोनाइजेशन दे बिगिंस टू सिंथेसाइज मॉर्फोजेनिक सिग्नल मॉलिक्यूल। मॉर्फोजेनिक क्यों करें, क्योंकि नोड्यूल एक प्लांट से एकदम अलग स्ट्रक्चर है, वो कोई प्लांट का स्ट्रक्चर नहीं है, प्लांट से अलग स्ट्रक्चर है कौन, नोड्यूल्स, तो वो एक उसका अपना एक मॉर्फोलॉजी होता है, तो मॉर्फोजेनिक सिग्नल्स बनने लगते हैं, वो उनको क्या कहते हैं, नोडुलेशन फैक्टर, नोड फैक्टर, जो कि रिलीज किसके थ्रू होते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। अब इसके बाद तो अब नोड फैक्टर्स होते क्या हैं, उनका उनका मींस बेसिक जो बैक्टीरिया के पास क्या होंगे, नोड जीन होंगे, बैक्टीरिया के पास क्या होंगे, नोड जीन होंगे, उन नोड जीन से नोड फैक्टर मींस की नोड प्रोटीन बनेगी। ठीक है, सॉरी नोड फैक्टर्स बनेंगे, प्रोटीन नहीं होती है, नोड फैक्टर्स प्रोटीन नहीं होते, ऑलिगोसेक्राइड्स होते हैं, तो क्या होते हैं, नोड फैक्टर्स बनते हैं। अब वो जो नोड फैक्टर्स हैं, अब नोड जीन ने क्या किया, नोड फैक्टर्स बनाए, अब ये क्या होते हैं, काइटिन के डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, नोड फैक्टर्स क्या होते हैं, काइटिन के डेरिवेटिव। काइटिन क्या होता है, काइटिन एक पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अ बीटा 1,4 लिंक्ड पॉलीमर ऑफ एन एस्टिल ग्लूकोसा में, जैसे कि स्टार्च होता है वैसे ही काइटिन भी होता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्च ग्लूकोज से मिलके बना होता है, जो काइटिन है वो एन एस्टिल ग्लूकोसामिन यूनिट से मिलके बना होता है। मींस कि इसके पास ये एक ऐसा शुगर मॉलिक्यूल होता है जिसके पास एक अमाइनो ग्रुप होता है, नॉर्मली नहीं होता है शुगर ग्रुप में, अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ कहाँ अमाइनो ग्रुप है, लेकिन एन एस्टिल ग्लूकोसामिन में क्या होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है। तो काइटिन जो किससे मिलके बना होता है, काइटिन बना होता है एन एस्टिल ग्लूकोसामिन यूनिट से मिलके बना होता है, और उनके बीच में लिंकेज क्या होता है, ये पूरा का पूरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा 1,4 लिंक्ड पॉलीमर ऑफ एन एस्टिल ग्लूकोसामिन। काइटिन क्या होता है, काइटिन
में मीन्स काइटिन एक पॉलीसेक्राइड है, तो बहुत सारे ग्लूकोसामिन यूनिट जुड़ेंगे, किस लिंक से जुड़ते हैं, 1,4 लिंक, β-1,4 लिंक से जुड़ते हैं और एक पॉलीमर बनता है, उसको काइटिन कहते हैं। और नोड फैक्टर्स क्या होते हैं? नोड फैक्टर्स काइटिन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। और कैसे डेरिवेटिव्स? काइटिन के डेरिवेटिव्स। तो इसका मतलब क्या है कि उन काइटिन मॉलिक्यूल के ऊपर एक लिपिड मॉलिक्यूल लग जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, नोड फैक्टर्स आर सिमिलर पॉलीमर, मतलब कि पॉलीमर एक्सेप्ट दैट अ फैटी एसिड रिप्लेसेस एन एस्टिल ग्रुप एट एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। जो ये काइटिन मॉलिक्यूल होता है, इसके पास एक एस्टिल ग्रुप होता है। काइटिन ग्रुप, जब काइटिन मॉलिक्यूल का पॉलीसेक्राइड नेचुरली देखेंगे, काइटिन बहुत एबंडेंट मॉलिक्यूल है। जैसे आप देखते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर काइटिन होता है, बहुत सारे सेल वॉल जैसे फंगस की सेल वॉल, वहाँ पर काइटिन पाया जाता है। तो काइटिन एक बहुत एबंडेंट, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल है आफ्टर सेलुलोज, जो मुझे याद है। मीन्स के सेलुलोज के बाद काइटिन एबंडेंट मॉलिक्यूल है। तो अब इसके पास जो काइटिन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसके पास एक एस्टिल ग्रुप होता है। अब उस एस्टिल ग्रुप को रिमूव करके उसकी जगह पे क्या एक फैटी एसिड लग जाता है, फैटी एसिड लग जाता है, तो वो बन जाते हैं लिपो कीटो ओलिगोसैकेराइड। अब कीटो ओलिगोसैकेराइड क्या, काइटिन पॉलीसेक्राइड है, इसके कुछ कुछ पॉली मीन्स ऑलिगोमर्स बना दिए जाए, उनको कहा जाएगा कीटो ऑलिगो सेक्राइड्स। तो अब आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, नोड फैक्टर्स क्या होते हैं? नोड फैक्टर्स काइटिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। लेकिन अगर नोड फैक्टर एग्जैक्टली क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, लिपो कीटो ऑलिगो सेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि काइटिन से एसिटिल ग्रुप रिमूव करके वहां पे फैटी एसिड लगा दिया जाता है, और जब ये ऑलिगोमर्स के फॉर्म में होता है तो ये हो जाता है नोड फैक्टर्स। तो एग्जैक्टली नोड फैक्टर्स क्या होते हैं, लिपो कीटो ऑलिगो सेक्राइड्स, लिपो कीटो ऑलिगो सेक्राइड्स। फ्लेवोनॉइड्स इंटरैक्ट विद प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल नोड डी जीन लीडिंग टू इंडक्शन ऑफ अदर नोडुलेशन जीन। अब क्या होता है कि बेसिकली इंटरेक्शन हुआ किसके थ्रू, लेक्टिन और ये जो पॉलीसेक्राइड है इसके थ्रू इंटरेक्शन हुआ, फिर नोड फैक्टर रिलीज हुए। तो नोड फैक्टर में ये बोला जा रहा है कि एक नोड डी फैक्टर होता है, नोड डी फैक्टर। तो सबसे पहले जब फ्लेवोनॉइड्स के थ्रू प्लांट इंटरैक्ट होता है, प्लांट पहुंचता है, सॉरी बैक्टीरिया प्लांट के पास पहुंचता है, तो उस समय एक नोड डी जीन होता है जो कि सबसे पहले इंटरेक्शन शो करता है। ठीक, और वो इंटरेक्शन शो करके क्या करता है, नोडुलेशन जीन का इंडक्शन करा देता है, नोडुलेशन जीन का इंडक्शन करा देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नोड नोड फैक्टर बहुत सारे होते हैं, ये कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, बैक्टीरिया यहाँ पे पहुंचा, पहुंचा लेक्टिन और इसका किसके थ्रू, लेक्टिन प्लस पॉलीसेक्राइड के थ्रू इंटरेक्शन हुआ बैक्टीरिया और रूट हेयर का, ठीक है, इंटरेक्शन हो गया। फिर यहाँ पे एक नोड डी होता है, नोड डी, तो नोड डी सबसे पहले क्या होता है, नोड डी फ्लेवोनॉइड की वजह से यहाँ पे पहुंचता है, इंटरेक्शन होता है, जैसे ही इंटरेक्शन होता है तो नोड डी जीन क्या करता है, बाकी के नोड जीन को, जैसे ये यहां पे पहुंचता है इंटरेक्शन होता है तो नोड डी जीन और जीन को क्या करता है, एक्टिवेट करा देता है। तो इसका मतलब क्या है कि नोड डी फैक्टर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है अदर नोड फैक्टर के लिए, क्योंकि नोड फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग, तो ये तो हमने आपको बताया क्या कि इन्फेक्शन थ्रेट के बारे में हम सारी चीज़ें बता रहे थे। अब इसके बाद यहाँ पे आप एक चीज़ ये देखिए कि किस तरह से जब रूट हेयर अंदर पहुँचता है, बैक्टेरियोइड का स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, एक्चुअली में बैक्टेरियोइड एक नया ऑर्गेनल्स बन गया, ठीक, क्योंकि ना तो वो बैक्टीरिया एग्जैक्टली बचा है और ना तो वो प्लांट का ही पार्ट है, ठीक, तो बैक्टेरियोइड बन रहा है और वो एक नए ऑर्गेनल्स की तरह काम कर रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनल्स कॉल्ड सिम्बायोसोम, क्या बोलते हैं उसको, सिम्बायोसोम, ठीक, जब कोई नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोसोम, सिम्बायोसोम। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि ये सपोज रूट हेयर है, ठीक है, रूट सेल है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एंट्री लिया। अब ये क्या है, ये सेल का, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की दिख रही है, और जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये सेल वॉल है, क्योंकि आपको पता है प्लांट सेल के पास एक सेल वॉल होती है, तो ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये रूट हेयर एंटर किया सेल के अंदर, ये रूट हेयर सेल के अंदर एंटर किया। जब ये एंटर करता है तो देखिए ये इन्फेक्शन थ्रेड है, ये इन्फेक्शन थ्रेड है, मैट्रिक्स ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, इसमें बैक्टीरिया चले आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, किसमें,
प्लांट की सेल के अंदर, तो उसके चारों तरफ एक कवरिंग दिख रही है। बैक्टीरिया तो रेड कलर के हैं, उसके चारों तरफ एक कवरिंग दिख रही है। वो एक एक्चुअली में ये कवरिंग हमें कहाँ से मिल रही है, ये कवरिंग प्लांट होस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इसकी जो ये जो इन्फेक्शन थ्रेड बन रहा है, होस्ट सेल से इसको एक कवरिंग मिलती है और ये एक उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बैक्टेरोइड। तो बैक्टीरिया इन इन्फेक्शन थ्रेड, बैक्टीरिया इन पेरी बैक्टेरोइड मेम्ब्रेन, और इसी जो बाहर की तरफ हमें आपको दिख रही है वो क्या होगी, पेरी बैक्टेरोइड मेम्ब्रेन, पेरी बैक्टेरोइड मेम्ब्रेन डेवलपिंग सिम्बायोजोम, और ये सिम्बायोजोम का फॉर्मेशन कर रही है, सिम्बायोजोम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है, सिम्बायोजोम या बैक्टेरोइड बन जाता है। बैक्टेरोइड में चारों तरफ एक पेरी बैक्टेरोइड मेम्ब्रेन होती है जो कि होस्ट सेल से मिलती है, और इस तरह से ये क्या बन गया, सिम्बायोजोम बन गया। अब देखिए बैक्टीरिया और बैक्टेरोइड में क्या डिफरेंस है, बैक्टीरिया बैक्टेरोइड में क्या डिफरेंस है। पहली बात, बैक्टीरिया तो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एक्टिव सेल डिवीजन बैक्टीरिया कर सकते हैं, बैक्टीरिया में सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है, ठीक। लेकिन बैक्टेरोइड अब ये इस तरह के स्ट्रक्चर में हो गए तो इसमें लिमिटेड सेल डिवीजन होता है, लेकिन जो एक्टिव जो बैक्टीरिया है उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाता है, बैक्टेरोइड में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाता है। और इसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन होता है, मींस कि बैक्टीरिया तो सिर्फ ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको हमेशा दिखेगा जो उसका बैक्टीरिया का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, बैक्टेरोइड ऐसा भी हो सकता है कि एक मेम्ब्रेन जो ये चारों तरफ पेरी बैक्टेरोइड मेम्ब्रेन दिख रही उसके अंदर दो बैक्टीरिया आ जाए, तीन बैक्टीरिया आ जाए, तो कुछ इस तरह का भी स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं बैक्टेरोइड कि उसके अंदर दो बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, ठीक। तो ये डिफरेंस होता है बैक्टीरिया और बैक्टेरोइड में। अब इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया के पास क्या है, नाइट्रोजनेज एंजाइम है, नाइट्रोजनेज एंजाइम है, और ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है। अब ये मेम्ब्रेन के अंदर आ गया, ठीक, तो अभी इसको बचाया जा सकता है, लेकिन अभी भी इसके मेम्ब्रेन के अंदर भी डिफ्यूज कर सकती है ऑक्सीजन, फिर भी बताएंगे आगे चल के कि किस तरह से ये और हेल्प करती है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम जब रिलीज हो तो फिर इस पर कोई ऑक्सीजन का इफेक्ट ना पड़े। तो ये इसीलिए बैक्टेरोइड में ही नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटी होती है, अगर बैक्टीरिया है तो क्योंकि उसके चारों तरफ कवरिंग नहीं है, और उस केस में क्या होगा, वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और नाइट्रोजनेज एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए ये इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है बैक्टेरोइड का, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हमेशा बैक्टेरोइड वाली कंडीशन में होता है, बैक्टीरिया वाली कंडीशन में नहीं होता है। जो हम लोग नोड फैक्टर की बात कर रहे थे, नोड फैक्टर की बात कर रहे थे, तो नोड फैक्टर यहां पे देखिए दो टाइप के हैं, नोड जीन होंगे, भाई नोड फैक्टर अब आपको समझ में आ ही गया कि लिपो कीटो ओलिगोसैक्राइड, लिपो कीटो ओलिगो ओलिगोसैक्राइड जो होते हैं वही होते हैं नोड फैक्टर। तो इनको कोड करने के लिए जीन होंगे, वो नोड फैक्टर को कोड करने के लिए जीन होंगे, वो जीन को क्या कहेंगे, नोड जीन, ठीक है, ये नोड जीन है। अब ये नोड जीन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉमन टाइप के नोड जीन, दूसरे होते हैं होस्ट स्पेसिफिक जीन। तो कॉमन जीन कौन से हैं, नोड ए बी सी और डी भी होता है, मतलब कि जितने भी राइजोबियल स्ट्रेन हैं, जितने भी राइजोबियल स्ट्रेन हैं वो सबके पास ये कॉमन फैक्टर तो होंगे ही, ठीक, मतलब कि नोड्यूल का फॉर्मेशन आगे करना है, प्लांट में नोड्यूल का फॉर्मेशन करना है, तो भाई नोड फैक्टर्स रिलीज होते हैं, वो नोड फैक्टर्स नोड्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो ये कॉमन नोड फैक्टर्स हैं। ये तो सब जी मतलब कि सारे के सारे राइजोबियम, जितने भी राइजोबियम स्ट्रेन होंगे उनमें नोड ए बी सी डी सभी पाए जाएंगे, रिक्वायर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ नोडुलेशन फैक्टर नोड फैक्टर्स, जो कि जरूरत है नोड जीन की, इन जीन की। जो होस्ट स्पेसिफिक जीन है ये डिपेंड करते हैं स्पीसीज पे, जैसे कि राइजोबियम है तो राइजोबियम तो एक कलेक्टिवली हम बोल रहे हैं, कोई ब्रैडी राइजोबियम, साइनो राइजोबियम या जो भी राइजोबियम, अलग अलग राइजोबियम होते हैं और वो अलग अलग प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, तो वहां पे हर प्लांट का स्ट्रक्चर चेंज है, कोई प्लांट छोटा हो सकता है, कोई प्लांट हार्ड हो सकता है, मतलब हर का अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो नोड्यूल का स्ट्रक्चर भी तो अलग अलग होगा। ऐसा तो नहीं कि सबका नोड्यूल, आप हर प्लांट का नोड्यूल का अगर आप एकदम क्रूड लैंग्वेज में कहें तो 10 प्लांट के नोड्यूल को उठा लाइए अलग अलग और सबका नोड्यूल का स्ट्रक्चर आपको आप पकड़ के भी देखेंगे तो आपको अलग अलग लगेगा, किसी में सॉफ्टनेस ज़्यादा होगी, कोई हार्ड होगा, कोई मतलब कोई लूज होगा, तो वो नोड्यूल स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसमें भी तो ये डिपेंड कर रहा है कि होस्ट कैसा है,
प्लांट कैसा है, तो प्लांट के अकॉर्डिंग होस्ट स्पेसिफिक जीन होते हैं। मीन्स कि कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये तो जीन चाहिए चाहिए नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए, और इनमें से जैसे नोड पी, नोड क्यू, नोड एच, नोड एफ, नोड ई, नोड एल, ये सब नोड क्या है, ये सब होस्ट स्पेसिफिक नोड जीन है। मतलब कि ये हर राइजोबियम में नहीं पाया जाएगा, किसी राइजोबियम में सपोज नोड ई पाया गया, किसी में एच पाया गया, ये डिपेंड करता है कि वो राइजोबियम किस प्लांट में मीन्स कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करने जा रहा है, नोड्यूल फॉर्मेशन करने जा रहा है, ये डिपेंड करता है स्पीसीज पर। तो उसके अकॉर्डिंग उन राइजोबियम में ये जीन पाए जाते हैं। तो अब आपको क्या रखना कि जो कॉमन नोड फैक्टर है वो सभी राइजोबियम में पाए जाएंगे, जो होस्ट स्पेसिफिक मीन्स कुछ ऐसे अदर जो बचे जो रिमेनिंग है, तो ए बी सी और डी को याद कर लीजिए, वो कॉमन है, बाकी जो भी रिमेनिंग है वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस स्पीसीज में नोडुलेशन करना है। अब इसके बाद हमने नोड डी की बात की थी, तो नोड डी एक इंपॉर्टेंट नोड है, और ये नोड एक्चुअली में क्या होता है कि ये नोड ओनली द नोड जीन द रेगुलेटरी नोड डी इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड इट्स प्रोटीन प्रोडक्ट नोड डी रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अदर नोड जीन। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो नोड फैक्टर यहाँ पे ये जो नोड डी है, अगर हम नोड डी की बात करें तो नोड डी जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में बैक्टीरिया के अंदर लो लेवल पे कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होता रहता है, लो लेवल पे कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होता रहता है, बाकी के नोड जीन नहीं एक्सप्रेस होते हैं, वो तब एक्सप्रेस होंगे जब बैक्टीरिया का रूट से कॉन्टैक्ट होता है तब एक्सप्रेस होंगे। और इन जीन को, बाकी के जीन को, जैसे कि ए बी सी जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करता है नोड डी, और ये तब एक्टिव होता है जबकि फ्लेवोनॉइड्स के थ्रू प्लांट का से इंटरेक्शन होता है, रूट हेयर से इंटरेक्शन होता है बैक्टीरिया का, तब ये एक्टिव होता है। मीन्स कि एक्सप्रेस तो हमेशा रहता है, लेकिन एक्टिव तब होगा जब प्लांट के अटैच में आएगा, जैसे ये एक्टिव होता है ये बाकी के सारे जीन को ट्रांसक्राइब कराने लगता है। ठीक, तो ये समझ में आया कि नोड डी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या करता है, वो कॉन्स्टिट्यूटिवली लो लेवल पे एक्सप्रेस होते रहता है, और जैसे ही वो फ्लेवोनॉइड के कांटेक्ट में आता है एक्टिव होके अदर जीन को ट्रांसक्राइब कराने लगता है, नोड के अदर जीन को ट्रांसक्राइब कराने लगता है। तो इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नोड के फंक्शन, तो ये आपको मतलब आप एक बार देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि इतना स्पेसिफिक आपसे पूछा जाएगा, फिर भी आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा कि नोड ए इज एन एसिटिल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज कैटेलाइज एडिशन ऑफ द फैटी एसाइल, है ना, तो ये सब क्या काम कर रहे हैं उनका दिया हो कि नोड ए का काम क्या है, मीन्स कि नोड्यूल जो स्ट्रक्चर बन रहा है उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए प्लांट के अंदर उन सेल्स में बहुत सारे चेंजेस होंगे ना, वो चेंजेस कौन करवाएगा, वो सारे चेंजेस ये नोड जीन करवाते हैं, और वो नोड जीन की में कोई एंजाइम कराएंगे तो वो पर्टिकुलर यहाँ पे सब वो दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, द नोडुलेशन नोड जीन आर क्लासिफाइड आर कॉमन नोड जीन और होस्ट स्पेसिफिक नोड जीन, सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू सच क्लासिफिकेशन आर गिवन बिलो। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कॉमन और होस्ट स्पेसिफिक कौन से हैं, तो नोड ए इज कॉमन नोड जीन, सही है, नोड सी इज होस्ट स्पेसिफिक, क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि नोड ए भी क्या है, कॉमन है। फिर इसके बाद नोड बी इज कॉमन, तो सही है, नोड पी इज होस्ट स्पेसिफिक, तो ये सही हो सकता है, नोड क्यू इज कॉमन, तो ये गलत हो गया, ठीक, नोड एच इज कॉमन, तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा क्या सही हो गया, बी, तो ओनली बी इज करेक्ट। राइजोबियम जीन दैट पार्टिसिपेट इन लेग्यूम नोड्यूल फॉर्मेशन आर कॉल्ड नोडुलेशन नोड जीन। द नोड डी इनकोडेड प्रोटीन, नोड डी इनकोडेड प्रोटीन, अब नोड डी के बारे में बताना है, पहले तो आप जब ये सारा याद कर लेंगे तो आप और अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप फिर भी बता सकते थे, इज एन एसिटिल ट्रांसफरेज दैट एड अ फैटी एसिड चेन टू द नोड फैक्टर बाइंड टू नोड बॉक्स एंड इंड्यूसेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल नोड जीन्स। ठीक, तो क्या होगा कि हमने जैसा बताया कि नोड डी क्या होता है, एक ऐसा होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है, और क्या करता है, सारे के सारे नोड जीन जो कि नोड कौन सा, नोड ए बी और सी को क्या करा देता है, एक्टिव करा देता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सेकंड। ठीक,